नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। अभी हम उत्तर प्रदेश के अलीगंज जिला के दोस्तपुर गांव में राम नरेश जी के खेत पर आए हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये इन्होंने चिपसौना आलू लगाया, लगभग 15 से 20 बीघा आलू होगा। और पूरा आलू, आप बेल को देख सकते हैं, पूरी बेल हरी भरी बेल है। अभी हम इनसे आलू के बारे में बात करेंगे, कैसा आलू निकल रहा है, कितनी लागत लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आलू है। अभी हम इनसे इस क्षेत्र में आलू की क्या कैसी स्थिति रहेगी और क्या रेट आलू बिकेगा, स्टोर फुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कितनी लागत लग रही है इस आलू में और कब इन्होंने आलू लगाया है, और आलू की समस्त जानकारी अभी हम राम नरेश जी से बात करके आपको बताएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम नरेश। ये राम नरेश जी, ये हम वीडियो में दिखा रहे हैं आलू जी। ये कौन सा आलू है? चिपसौना बन है। चिपसौना बन जी। यहाँ पर आपने कितना आलू लगाया है? ये चिपसौना बन लगाया है 17-18 बीघे। 17 से 18 बीघे। और ये कितने दिन का हो गया है आज? ये हो गया है 26 अक्टूबर गड़ा हुआ है। 26 अक्टूबर का, 3.5 महीने हो गया। हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं, बिल्कुल हरी हरी भरी लहर आलू की बेल है, पर बीघा टाली घरों घूरा कटा हुआ है इसमें प्योर गोबर। तो इसमें स्प्रे वगैरह क्या कितनी की आपने? स्प्रे नहीं, ज़्यादा दो है बस। दो स्प्रे की जी। और पानी वगैरह क्या कितना? पानी 5 लग जाएगा इसमें। 5 पानी लगा दी परिवर्ट की परिवर्ट। और इसमें आपकी अगर टोटल लागत देखी जाए, विद लेबर की और बीज, 15,000 मालूम। नया आलू, नया आलू वाला हुआ है ना, 3,000 रुपये वाला आलू, 900 रुपये पैकेट का आलू वाला हुआ है नया, 900 रुपये पैकेट का। चिपसौना बन। और आपके जो क्षेत्र में, अभी हम अलीगंज क्षेत्र के दोस्तपुर गाँव में है, तो इस क्षेत्र में आलू क्या कैसी स्थिति है? अगर चिपसौना आलू तो स्थिति है आधा आधा है। जिनके घूरा पड़ा हुआ अच्छा है चला गया है, बादबाकी बिल चली गई है। जिनका घूरा अच्छा है तो लगभग मान चलो आधा आधा, मान लो आधा चला गया, आधा ही होगा बस। आधा चला गया, आधा नहीं, मतलब 20% सही होगा बस, दो से चला गया बिल। ये 2 महीने 10 दिन का लगभग हो गया, 3 महीने 5 दिन का, 3 महीने 5 दिन का, लगभग 95 दिन का इसकी बिल 4 महीने चल जाएगी। तो आप मुझको वीडियो में दिखा सकते हैं आलू कैसा निकल रहा है? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, चिपसौना बन आलू है। आपको हम बेल भी दिखा रहे हैं। ये हम अलीगंज क्षेत्र के दोस्तपुर गांव में हैं, और ये बहुत ही बढ़िया आलू करते हैं। आप देख भी सकते हैं वीडियो में। रही लग रही है यहाँ तक। ये एक पौधे में, एक पौधे का आलू है, ये एक पौधे का आलू है। 5 आलू अच्छे साइज के निकले हुए हैं इसमें। इस आलू में पैदावार लगभग 50 कट्टे बीघे होगी। होगी, वो करते हैं हर साल, हो जाती है हर साल 50 कट्टे, हर साल करते हैं। पर इसमें लागत बहुत। ये आप स्टोर में रखोगे या फिर अभी बेचोगे? नहीं, स्टोर में रखेंगे। स्टोर में रखोगे, भाव बढ़िया मिलता, बेच भी थोड़ा बहुत देते हैं। अभी जैसे कई जगह बात चल रही, बता रहे हैं मीडिया चैनल वाले, वो ये कह रहे हैं कि आलू 700 रुपये से लेके 1,000 रुपये कट्टे तक अभी खेतों में आलू खरीद चल रही है। नहीं नहीं नहीं, 500 रुपये पैकेट मांगा हमारा व्यापारी, मांग चुका है 500 रुपये पैकेट सिर्फ, 500 रुपये कट्टे। ये कम मांगा अभी परसों। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि 700 रुपये, जो झूठ कर रहे हैं व्यापारी से बात हुई मेरी सामने। और इस साल आप 2024 लगातार 3 वर्षों से आलू किसान नुकसान उठा रहे हैं। हाँ। आप तो आलू करते हो? हम 10-15 साल आलू करते हैं लगातार 3 वर्षों से आलू किसान। आप ये जो 2024 साल आ रही है जी, आपको इसको आलू के नजरिए से क्या कैसे देखते हो, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद ये है थोड़ा बहुत ठीक भी जाएगा ये आलू, मतलब 700-800 रुपये कट्टा चल जाएगा, कुल में 1,000 से ऊपर नहीं जाएगा। कई मीडिया चैनल वाले रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं कि इस साल 1,500 रुपये से लेके 2,000 रुपये तो अभी उन्हें कैसे आंकड़ा लगा लिया, खुदा नहीं तो कैसे आंकड़ा लग जाएगा, खुदने के बाद पता लगेगा। वो जगह जगह दिखा रहे हैं कि आलू बहुत नुकसान, अरे गुला थोड़ी पता लग जाए भाई, यहाँ अच्छा निकला कहीं नहीं निकला तो क्या जरूर लगेगा इसका। 2 फरवरी 2024 को हम अलीगंज क्षेत्र के दोस्तपुर गाँव में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमारा ये नया आलू है यार, जालंधर वाला, ज़्यादातर आलू ही होता है और पूरे आलू की हरी भरी बेल है। ये नया आलू है, बहुत महंगा पा रहा है, 18 बोरी आई पिछले। राम नरेश किसान है, इनके खेत पर अभी हम आए हैं। नया आलू है मेरा, नया बीज पैसा लाया, 18 रुपये पैकेट लाया हुआ है ये बीज। और आपके क्षेत्र में स्टोर की क्या कैसी स्थिति रह सकती है उसके बारे में? स्टोर पिछले साल तो बहुत ओवर हो गए थे, फिर भी भरने 80% तक हो ही जाएंगे, फिर भी इस बार हो जाएंगे, फुल नहीं हो पाएंगे। फुल तो बहुत मुश्किल में देख रही है यार, पैदावार कम लग रही है हमारे में है, और लोगों में नहीं है पैदावार, तो ऐसा हर जगह थोड़ी निकलता। और
मुख्यतः कौन कौन सी वैरायटी का आलू इस क्षेत्र? अरे हमारे गांव में चिपसाना होता है ज़्यादातर, और ये पड़ोस में श्याम नगर है डवैया, इनमें ज़्यादातर ख्यातिपुरा सब टोटल होता है। आपके गांव में चिपसाना आलू? बस चिपसाना हमारे गांव में होता है। आप टोटल कितना आलू लगाते हो? हम तो लगाते लगभग मान लो 45 बीघा लगाते हैं। 45 से 40 बीघा। और कितना कौन कौन सी वैरायटी लगाया है? मैं तो चिपसाना ही करता हूँ, कुछ नहीं करता। चिपसाना ही करते हो? बस सिर्फ कई साल से करता हूँ। जो आपने पिछली साल से इस साल ज़्यादा लगाया आलू या कम लगाया? नहीं उतना, पिछली साल पिछली साल कितनी लगाया? अगर क्षेत्रफल की बात की जाए रकबे की तो हमारे गांव नहीं बढ़ा है, हमारे गांव तो बढ़ा नहीं। नहीं तो आलू क्या कैसा हो सकता है, इस साल बढ़ा है या कम हुआ है क्षेत्र में? आगे कहीं बढ़ा हुआ है, यहाँ तुम्हारे इतना ही होता है। आपके यहाँ नहीं बढ़ाया जाता? हमारे यहाँ। और आपके क्षेत्र में जो कच्ची सीजन बोलते हैं वो तो हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है, खुदाई होती है। कितने परसेंट खुदाई हो गई है? होगी होगी लगभग हमारे यहाँ 20% 30% होगी होगी। और हर साल की अपेक्षा की बात की जाए, इस साल खुदाई ज़्यादा हुई है कम हुई है? ज्यादा का उतनी होती है यार, गेहूं तम्बाकू वाले हमारे हर साल हमारे यहाँ खुद जाए तम्बाकू गाड़ते लोग, तम्बाकू वाले सब खोद चुके हैं, तम्बाकू वाले तम्बाकू लगा देते हैं, तम्बाकू वाले लोग खुदाई कर चुके हैं। और ये आलू जो चिपसौना है और 97 और जो न्यू हॉलैंड वगैरह होता है, ये कब से स्टोर में जाना स्टार्ट होगा? मान चलिए बारिश होगी अब 10 फरवरी के बाद, देखो 15 फरवरी 10 फरवरी के बाद होगा स्टार्ट। जो कल 2 फरवरी की बारिश हुई थी जिससे 8-10 दिन खुदाई नहीं हो पाएगी, गीले हो गए, उसकी वजह से पैदावार में कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्ट्री हाँ ये जा सकती है, झुलसा पानी बारिश से जल्दी बेल जा सकती है। आज तो मौसम साफ है, आज साफ है, कल से नहीं हुआ तो कल भी बारिश दिखा रहे हैं, हाँ तो नुकसान होगा और क्या होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आलू किसान करते हैं और अभी मंडियों में जो हाइब्रिड आलू करते हैं ले जाते हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, आप आलू बढ़िया करते हो जी, तो उनको कोई संदेश देना चाहते हो हाइब्रिड वाले आलू किसान को? नहीं हाइब्रिड भी बढ़िया है, आलू बढ़िया जैसे लोग करते हैं 70-80 पैकेट निकलता है, ये तो ज़्यादा निर्माण चलिए, और आम किसान करेगा हमें छोड़ के हमारा पैकेट आलू घूरा पर हुआ खुद के साधन है, इसलिए कर लेते हैं भाई, जहाँ तक 30-40 का एवरेज देता है, ये नहीं 50-60 निकलता है, हम निकाल देते हैं थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब बहुत लागत डाल के 2 बोरी 2.5 बोरी बीघा DAP डालते हैं, कम से कम 2 बार ऊपर से लगी हुई है इसमें DAP, एक बार अंदर पेट में पड़ी हुई है, बैगर आलू गोबर पड़ा हुआ है तब ये निकल रहा है इतना अमाउंट। हाँ नहीं तो वो दिखाया आपको मैंने, 30 पैकेट मान के लिए 30-40 से ऊपर नहीं जाता किसी के 30 पैकेट, अब वो 60 निकलते हैं तो दूने थोड़ी हो जाएगा, ये तो हरा हर किसान नहीं कर पाता इसको। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कोई संदेश देना चाहते हो? संदेश क्या सरकार है, मुझे लगते नहीं आया तो सही बिकना चाहिए आलू, और क्या संदेश सही बिकना चाहिए। हमारे देश में 60% किसान है, 60% किसान है और 60% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है, तो किसानों की फसल ज्यादा सही बिकना चाहिए, सस्ती बिकती है, आलू की अगर बात की जाए तो लगातार अब 15 रुपए बीघा आप लागत बता रहे हैं, मतलब हम भी बता रहे हैं लगती है, आलू 10,000 बीघा होता तो कहां बराबर नहीं होता। 1,000 रुपए बीघे किसान की लागत तब लगती है जब किसान अपनी मेहनत नहीं जोड़ता है, अगर मेहनत जोड़ दे तो बहुत ज्यादा लगेगी, 400-500 रुपए। अब 30 पैकेट निकला, 500 बीघा 15 रुपए हुआ बराबर हुआ, कहाँ उसे बचका रहा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? दिनेश चंद। ये जो अभी हम इस क्षेत्र में खड़े हैं कौन सा क्षेत्र है? ये अलीगंज क्षेत्र है। अलीगंज क्षेत्र का पूरा पता बता दीजिए। अलीगंज क्षेत्र का एटा जिले के अलीगंज क्षेत्र के दोस्तपुर गांव में है। दोस्तपुर गांव में यहाँ। और तहसील भी अलीगंज लगती है। तहसील भी अलीगंज है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन कौन सी वैरायटी आलू किया जाता है? सबसे ज्यादा चिपसौना और न्यू हॉलैंड। चिपसौना और न्यू हॉलैंड। हाँ पुखराज ख्याति भी होता है, हाइब्रिड आलू भी होता है। हाँ होता है, इस गांव में नहीं मिलेगा, इस गांव में नहीं मिलेगा आपको। और आपके क्षेत्र में जो कच्ची आलू, कच्ची सीजन जिसको बोलते हैं आलू खुदाई को, वो कितने परसेंट इस क्षेत्र में आलू? वो ज्यादा 20%, 10 से 20%। बस अभी कच्ची सीजन का आलू खुदाई चल रही है? खुद गया, वो तो खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये पक्की सीजन वाला है, ये तो पक्की वाला है, सब पक्की वाला है। इस अभी जो कल 1 फरवरी को बारिश हुई थी उसकी वजह से आलू में कोई नुकसान रहा होगा? नुकसान तो वो क्लियर आएगा, थोड़ा वो बेल चली जाएगी इससे। इस बारिश की वजह से कितना नुकसान, कितने परसेंट आलू में कम लॉस होगा इसमें? कम से कम 20% मान लो इस बारिश की वजह से। अरे ये नहीं जाएगा, बेल चली जाएगी, नुकसान होगा, बेल चली गई है ना। ये आलू आपने किस दिन लगाया था, कितने दिन का हो गया? ये हो गया लगभग 25 अक्टूबर को लगा है। हाँ 3 महीने के समथिंग हो गया, 3 से ऊपर हो गया, 6 से 7 दिन का हो गया है। हाँ 100 दिन का मान लें। ये चिपसौना आलू है आपका? चिपसौना बन। आप जो हमारे दर्शक जो किसान भाई वीडियो देखते हैं, आप दिखा सकते हैं आलू किस प्रकार का निकल रहा है? आलू देखो तुरंत वो तो एक पौधा देखना, अभी घटे हो तो काका
ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये चिप्सोना बन आलू है और आलू मीडियम छोटा आलू है, मीडियम से छोटा है, मीडियम से भी छोटा है। और इसमें आप वीडियो में दिखा सकते हैं झुलसा लगा हुआ, झुलसा की वजह से आलू में पैदावार कम हो गई और उसकी वजह से पैदावार में लगभग 30-40%, और जो कल 1 फरवरी को बारिश हुई से उसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान है। जो आपने चिप्सोना बना आलू लगाया है इसमें कितनी लागत लग जाती है? लागत लगभग मान लो 15,000 रुपये बीघा, 15,000 रुपये बीघे की लागत लगती है। हाँ, ये कितने बीघे आपने आलू लगाया? ये तो 1.5 बीघे का टुकड़ा है, 1.5-2 बीघे का। और आपने पूरा आलू कितना लगाया है? 12 बीघा। अभी खुदाई की नहीं? नहीं अभी बिल्कुल नहीं। जो आपका क्षेत्र जो अलीगंज पड़ता है, इस साल स्टोर यहाँ पर फुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? स्टोर नहीं फुल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो अभी आलू की चिप्सोना बन के या फिर क्या रेट चल रहा है आलू? आलू भाई मान के चलो अभी तो 500 रुपये पैकेट, 500 रुपये पैकेट चिप्सोना। हाँ, हाइब्रिड तो जाएगा 300-350, 300-350 रुपये। कई जगह मीडिया चैनल वाले ये बता रहे हैं, मीडिया वाले, कि आलू में बहुत कम पैदावार है। पैदावार तो है ही कम, वो तो हम भी देख रहे हैं क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्ट करके कि आलू की पैदावार कम है। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि आलू 2,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये कट्टे तक बिकेगा, इसकी क्या कहीं सच्चाई है? नहीं नहीं, वो नहीं, इतना कहाँ बिक जाएगा, आलू क्षेत्रफल में भी ज़्यादा है ना। और दूसरी चीज़ है, अभी फरुखाबाद मंडी है, कुरावली मंडी है, कानपुर मंडी है, आगरा मंडी है, इन मंडियों में आलू बिक रहा है 500 रुपये से लेके 700 रुपये। बस बस, हाँ इतना ही बिक रहे हैं अभी। यहाँ आलू पैदावार कम है, आगे रेट सुधरेंगे वो तो सुधरने के चांस, रेट सही बिक रहे हैं और उस हिसाब से तो पिछली साल जैसी ही समस्या रही थी, किसानों को नुकसान हुआ था। आप हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी के माध्यम से किसान या सरकार से कुछ कोई संदेश देना चाहते हो? संदेश क्या देंगे, संदेश अब जी लॉस हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ। इसी प्रकार की आलू से संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आलू की सही जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आलू की सही जानकारी सभी किसानों तक मिल सके और किसान ज़्यादा अफवाह या भ्रमित करने वाली जानकारी में ना रहें। जो हमारा चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी है, वो हम ग्राउंड रिपोर्ट करके मंडी में जाके किसानों से जाके प्रतिदिन आपको दिखा रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का आलू है। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।